सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमारे फिल्म प्यार तो होना ही था कि प्रीमियर में आप सभी मीडिया बंधु लोग आए, इसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों ने फिल्म देखी तो आप लोग इसलिए इसका जो रिव्यू होगा आप लोग कल बताएंगे, लेकिन आज मुंबई में लॉकडाउन के बाद पहली फिल्म है हमारी नौरंग में, जो हमारी फिल्म से ओपन हुई नौरंग सिनेमा, तो मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि लॉकडाउन के बाद पहली फिल्म हमारे प्रमोद शास्त्री सर ने जिसको निर्देशन किया था और अमित सर ने प्रोड्यूस किया था, आज नौरंग सिनेमा में लगी और बहुत मज़ा आया। फर्स्ट टाइम प्रीमियर तो इसके पहले भी छलिया का हुआ था, लेकिन पब्लिक के साथ और सारे लोगों के साथ फर्स्ट टाइम बहुत मज़ा आया। कितना चैलेंजिंग किरदार है और थोड़ा सा बताइए शूट का एक्सपीरियंस कैसा रहा? देखिए मेरा जो फिल्म में कैरेक्टर है वो जैसे मैं अभी अरविंद अकेला कर लूँ वही है, लेकिन हाँ इस फिल्म का कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल लोग बेटी बेटा में फ़र्क जानते हैं, हम लोग के जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को ला दिया है, लेकिन कुछ लोगों की सोच जो है बेटी बेटा में फ़र्क जानते हैं, उसके जो बेटी बेटा में सोच रखते हैं उसके लिए एक जोरदार तमाचा है कि बेटी बेटा कोई भी फर्क नहीं होता है, जैसा बेटा होता है वैसी बेटी होती है। और कलाकार क्या होता है, अपने सारे दुख गम को छुपा के पब्लिक के चेहरे पे हंसी लाने के लिए, चाहे वो कितना भी दुख में रहे पब्लिक के चेहरे पे हंसी लाने के लिए वो कुछ भी करता है, ये दर्शाया गया और एक से बढ़कर एक सामाजिक संदेश। यामिनी जी के लिए कितना चैलेंजिंग था? सर चैलेंजिंग तो था लेकिन दिल से चैलेंजिंग तो था बट दिल से मैं बहुत मतलब मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा कभी भी जहां हम काम कर रहे वहाँ कभी ऐसा भी रोल हीरोइन को दिया जाएगा, क्योंकि हम सब जानते हैं हमेशा एक हीरो ओरिएंटेड फिल्म बनती है और इस फिल्म में कल्लू जी से अच्छे शायद कोई और हीरो नहीं होते तो हो नहीं सकते थे, बिकॉज जितना आप लोगों ने सभी ने फिल्म देखी कितनी ज़्यादा ये हीरोइन सेंट्रिक फिल्म थी और मेरे लिए बहुत था थोड़ा तो चैलेंजिंग था, सब बोलते चैलेंजिंग नहीं था, ये मेरा रियल कैरेक्टर है बट ठीक है। ये तो रियल कैरेक्टर है, यामिनी का रियल कैरेक्टर है और मुझसे अच्छा शायद कोई नहीं अच्छा प्ले कर। आपको चार अवार्ड मिले हैं, आपकी पिक्चर रिलीज हुई है, कैसा लग रहा है आपको, क्या कुछ बोलना चाहिए? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले मैं कनक यादव आप सभी मीडियाकर्मी और जो दर्शक यहाँ पर आए हैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने समय निकाला और सिनेमा को देखा। अब आपने देख लिया है तो प्लीज़ आप बताइएगा कि कैसी बनी है, आपको क्या क्या पसंद आया है। और सिनेमा में सभी ने बहुत मेहनत की है, जैसे कि एक्चुअल रियल लाइफ में भी आप देख रहे हैं कल्लू जी हीरो हैं, फिल्म देख ही चुके, मैं हीरोइन हूँ, तो एक हीरोइन होकर हीरोइन को पोर्ट्रेट करना वो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो जब रियल लाइफ आप कोई करते हो वो एक्टिंग नहीं करते हो, पर एक्टिंग के अंदर एक्टिंग करना इट्स डिफ़िकल्ट जॉब, जो सबने बहुत अच्छा काम किया है। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँगी कि इसमें बाप बेटी का जो रिश्ता है आज हम लोग दूर हो जाते हैं, बट इसमें बाप बेटी का इतना प्यारा रिश्ता दिखाया गया है कि मैं चाहती हूँ समाज में भी वो प्यार वो अपनापन और जो परिवार में अपनापन होता है वो वापस आ जाए। सर आप बताइए इसके बारे में थोड़ा और। इस फिल्म की सबसे बड़ी USP है कि इस फिल्म में जितने एक्टर्स हैं वो खुद को प्ले किए, इसमें किसी ने कोई कैरेक्टर नहीं प्ले किया है, जैसे कल्लू जी ने अरविंद अकेला कल्लू को प्ले किया है, नाम चेंज हुआ है, यामिनी सेम टू सेम है, कनक इज ब्रिलियंट, रोहित इज गुड, एवरीवन इज, सुशील जी कमाल के हैं, सब ने बहुत अच्छा प्ले किया है। और कहाँ गए हमारे डायरेक्टर प्रमोद जी ने रोल किया है, उन्होंने बहुत अच्छा किया है। मटरू जी बहुत मार खाया है वो मामा, एक्चुअली घर में जो होता है नौकर का मामा होता है और वो मार खाने के लिए ही होता है, तो जब मार खाते हैं तो पब्लिक हंसती है तो अच्छा लगता है। अभी तक है या फिर गया? नहीं वो दर्द तो नकली था, बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने फिल्म देखा और फिल्म से रिलेटेड स्टोरी मतलब आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो बहुत लोग ऐसे होते हैं बिना फिल्म देखे क्वेश्चन पूछते हैं, देखा है सारे मीडिया बंदों से मिलता है कि आप लोग देखिएगा। और जैसा कि लोग बोलते हैं कि भोजपुरी में अच्छी फिल्म है, तो ये आप सबके बीच अच्छी फिल्म आई है, आप लोग चाहेंगे तो ये फिल्म अभी आई है, इससे भी अच्छी अच्छी फिल्म आती है। ये फिल्म की USP सारे एक्टर्स को उनके नाम से आप
आपने पिक्चर देखी है, पिक्चर जैसा आपने बनाया वैसी ही बनी है? हाँ सर, वैसे ही बनी है जैसा मैंने बनाया और लोगों को वैसे ही अच्छी लगी। मौजूदा दौर पूरी जिंदगी जो चल रही है उसमें आपने ये रिस्क सर, अच्छे कहानी पर रिस्क तो लेना ही पड़ता है, अगर हम ऐसा रिस्क नहीं लेंगे तो कौन लेगा रिस्क? तो इसलिए रिस्क लिया हूँ और मैं अपने कलाकारों के ऊपर, चाहे वो कलू जी रहे हों, चाहे करू जी रहे हों, यामी जी रहे हों, सारे कलाकारों पर इतना विश्वास था मुझे कि सबने बहुत अच्छा किया है, तो इसलिए सर बड़ा अच्छा लग रहा है। बाकी तो कलाकार लोग बताएंगे, सारे हमारे जो स्टार हैं यहाँ पे वो सब बताएंगे। आइए सलीम जी। कल्लू जी के साथ मैंने भी अभी भी काम किया, अभी आने वाली फिल्म है आसमान शाह, लेकिन आज के बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि ऐसी भावनात्मक इमोशनल फिल्म भोजपुरी में बन सकती है, ये हमारे निर्देशक प्रमोद शास्त्री ने साबित किया कि साफ सुथरी फिल्म भी भोजपुरी में बनाई जा सकती है और वो दर्शकों के दिल को छू सकती है। अंत में फिल्म के अंत में मैं स्वीकार करता हूँ, कल्लू ने और प्रमोद शास्त्री ने मिलकर मुझे रुला दिया था, और ये जो तो मेरे से सख्त हृदय विलन को अगर रुला दिया तो मतलब पहले कहीं तो कामयाब है। और इस फिल्म का हासिले जो मतलब सबसे ज़्यादा जो हासिल मैं मानूंगा वो ये है, इसमें एक नया एक्टर इंट्रोड्यूस हुआ है प्रमोद शास्त्री, जिसने बहुत ही नेचुरल परफॉर्मेंस की है। मैं दर्शकों से अनुरोध करूँगा वो इस फिल्म को अपना प्यार दे ताकि ऐसी साफ सुथरी फिल्म में बने। आप महसूस करेंगे इस फिल्म में एक भी आइटम सॉन्ग नहीं है और जितनी भी लड़कियों ने महिलाओं ने काम किया है बहुत ही बेहतरीन काम किया है, बिना अंग प्रदर्शन के बहुत ही अच्छा काम किया है। भोजपुरी फिल्मों को माना जाता था कि बहुत ही बोलर होती हैं, लेकिन आज मैं अपना ये नज़रिया बदल रहा हूँ और मैं कहूँगा, कल्लू को भी बोलूँगा और प्रमोद शास्त्री को भी, कैसी साफ सुथरी फिल्में बनाते रहे, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। धन्यवाद, मेरा साधुवाद। और ये हमारी बॉस है, मम्मी जी। और मम्मी जी आप बताइए आपको कैसा लगा? बहुत अच्छी लगी, सभी का स्वागत है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। आई एम हैप्पी। कहाँ है यार पापा जी आप? ये प्रोड्यूसर सर की मम्मी और ये उनके पापा जो शूटिंग देखने आए थे, फर्स्ट टाइम गुजराती फैमिली से भोजपुरी के लिए किसी ने अगर प्यार दिखाया है ये इनका प्यार है, कि खुद इतने प्यारे हैं कि इन्होंने वो प्यार हम लोगों के भी बांटा और आज फिल्म के माध्यम में आप भी देख रहे हैं। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, उसके बाद आप भी मिले हम लोग और आगे बढ़ो। और भैया आपको चाहूंगा विनोद जी कुछ कहें इस फिल्म के बारे में। विनोद जी हमारे अगली फिल्म मान मान शान के प्रोड्यूसर हैं और मैं चाहूंगा कि इस फिल्म के बारे में अपनी राय बताएं। प्रोड्यूसर के साथ साथ हमारे गार्जियन, सबसे पहले मैं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को बहुत धन्यवाद देता हूँ और मैं आज खास करके हमारे छोटे अनुज प्रमोद शास्त्री जी और उनकी टीम को बधाई देता हूँ कि उनकी फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला है, जो हम लोग 15 वर्षों से प्रयास करते थे कि हमारी फिल्में साफ सुथरी हो और एक समाज की आईना हो, तो प्रमोद जी ने वो साबित किया है कि समाज को आईना दिखाने का काम किया है, बहुत ही साफ सुथरी फिल्म बनाई है और हम आशा करते हैं कि और भी लोग अच्छी फिल्में बनाते हैं, लेकिन एक जैसे कि बताया कि यू सर्टिफिकेट मिलना अपने आप में आज के माहौल में बहुत बड़ी बात है, तो मैं उसके लिए उनको धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ, पूरी टीम को देता हूँ। बहुत बहुत मैं इससे शख्स मिलना चाहूँगा, भोजपुरी के लिए जो जीते हैं, भोजपुरी से जो जहाँ से वो भोजपुरी में पैदा होते हैं वो भोजपुरी फिल्म बनाए तो चलता है, लेकिन भोजपुरी भाषा ना होते हुए भी सर ने हमारे फिल्म बनाई, इसके लिए दिल से बहुत बहुत थैंक यू। और सर से मैं चाहूँगा कि आपको कैसा लगा हमारा भोजपुरी इंडस्ट्री? बहुत बहुत बढ़िया, मतलब इतनी अच्छी टीम, सिर्फ भैया ऑफिस में और दूसरी भोजपुरी इंडस्ट्री में, और अरविंद इतना लड़ रहा है कि सेकंड मूवी हमारी मई में रिलीज हो रही है उसमें भी अरविंद और यामिनी लीड रोल्स में, प्यार का देवता, प्यार का देवता। जन मर तोहर मीठ मुस्कान चांद कनी खिलल बाड़ू हो, जन मर तोहर मीठ मुस्कान तू चांद कनी खिलल बाड़ू हो।
सर क्या कुछ कहना चाहिए, पिक्चर रिलीज हो रही है, क्या कुछ करेंगे? सबसे पहले तो मैं आप सभी को धन्यवाद कहना चाहूँगा, आप लोग जो है यहाँ पर आए हैं और तमाम लोगों की बातें आपने सुनी होगी। और इसी के साथ साथ मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा अपने प्रोड्यूसर का, अपने डायरेक्टर का, जिन्होंने इस सब्जेक्ट को पसंद किया और सिनेमा के स्क्रीन पर उतारा। साथ ही साथ बधाई दूंगा अपनी सारी टीम को, जिन लोगों ने तक मेहनत करके इस सिनेमा को इतना खूबसूरत बनाया। सर पिक्चर की अगर बात करें तो पहला दिन है, कैसा रिस्पॉन्स रहा है आप अंदर थे? सर अंदर तो पूरा हाल भरा हुआ है, मैं खुद अपनी सीट के लिए इधर उधर ढूंढ रहा था किधर बैठूं। अच्छा हुआ है देख करके लगा कि हम लोगों ने जो मेहनत की है वो रंग ला रही है, लोगों को सिनेमा अच्छा लग रहा है, अंदर सीटियां तालियां सुन करके दिल खुश हो रहा है कि एक स्वस्थ मनोरंजक फिल्म हम लोगों ने पब्लिक को दिया है, लोगों को दिया है, लोग पसंद करें उसको सराहा है, और यही मेरी विनती है सर। मैं प्रमोद शास्त्री जी ने बहुत अच्छी फिल्म बनाया है और इसमें पहली बार मैंने देखा कि ग्रे सेट में सुशील जी का काम मुझे बहुत अच्छा लगा और कल्लू जी का भी काम बहुत अच्छा था। और इसमें जो कृष्ण नायिका है उनमें तापसी पन्नू का थोड़ा थोड़ा झलक मुझे नज़र आ रहा था, तो बहुत अच्छी ये फिल्म है। इसका लास्ट का जो थी मुझे बहुत अच्छा है, लोकेशन बहुत अच्छा है, क्लाइमैक्स इसका अच्छा लगा। आप बताइए सर आपको कैसे लगी? हम क्या बताएं, हम तो फिल्म के डायरेक्टर ही हैं, शशिकांत भाई बहुत अच्छा लिखते हैं, तो मैंने कहा ये देखिए और जो सही हो वो लिखिए, तो शशिकांत भाई आए, इनका बाइट आप लोगों के सामने है। और इसके अलावा फिर अभी तो और भी लोग हैं आएंगे। बाइट इस फिल्म का बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी फिल्म, अच्छी बनी हुई है, जैसा पारिवारिक फिल्म होनी चाहिए। अमूमन होता क्या है कि फिल्मों में भोजपुरी फिल्मों पर एक ब्रांड लगा हुआ है कि लड़का झटका रहेगा, आइटम नंबर रहेगा, ऐसी कुछ भी मुझे नहीं नजर आया, ये साफ सुथरी पारिवारिक फिल्म है।